है hey, दोस्तों मैं हूं मिनमोर क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज का जो केस है वो बहुत ही ज्यादा एक मिस्टीरियस केस है इतना ज्यादा मिस्टीरियस केस है कि लास्ट सेवेंटी इयर्स में भी ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है और ये केस अभी भी ओपन है सोचिए सेवेंटी ईयर्स से एक केस अभी भी ओपन है इस केस का नाम है द केस ऑफ द अननोन मैन ये एक ऑस्ट्रेलिया की कहानी है दोस्तों शॉर्ट में बताऊँ तो क्या होता है कि एक बीच में सुबह सुबह एक डेड बॉडी मिलती है एक आदमी की लेकिन आज तक यह भी नहीं मालूम चला है कि वो आदमी कौन था या फिर वो नेचुरल कॉजेज से मरा था या किसी ने उसका खून किया था और ये इतना फेमस केस है दोस्तों किसी ऑस्ट्रेलिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी अगर आप देख लीजिए या फिर अगर आप सर्च करेंगे मिस्टीरियस केसेस तो ये केस आएगा इसका असली नाम है द केस ऑफ द सोमटन मैन या फिर इसको तमाम शुड केस भी बोलते हैं तो इस सब के बारे में आगे बात करेंगे प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू सो मच दोस्तों ये वक्त है एक दिसंबर 1948 सुबह के साढ़े छह बजे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है एडिलेड इस एडिलेड शहर के कुछ 10-12 किलोमीटर दूर एक बीच होता है जिसका नाम है सोमार बीच बीच के पास से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया होता है कि बीच में एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तब तो वो लोग देखते हैं कि एक आदमी है वो बीच में से पड़ा हुआ है लेकिन वो ऐसे पोजीशन में पड़ा हुआ है जैसे कोई आदमी वाला रेस्ट कर रहा है उसने एक कोट भी डाला हुआ होता है उसके कोट के एक जेब के पास एक सिगरेट होती है जिसको जलाया नहीं गया होता है जब उसकी छानबीन की जाती है उसके कपड़ों फिर पॉकेट वगैरह में तो पुलिस को मिलता है एक रेलवे टिकट जो कि अनयूज है एक यूज़ किया हुआ बस टिकट मिलता है फिर एक कंघी मिलती है कोई चुइंग गम मिलता है मैच बॉक्स मिलता है एक सिगरेट का पैकेट मिलता है जिसमें सात अलग अलग ब्रांड के सिगरेट होते हैं और सबसे एक जो चीज़ पुलिस को दिखी वो थी उसके जो पॉकेट्स थे उनको ऑरेंज कलर के धागे से सिया गया था अब पुलिस आसपास मतलब छानबीन करती है तो कुछ विटनेसेस ने बोला था कि 30 नवंबर यानी कि जो बॉडी मिली थी एक दिसंबर को उसके ठीक एक दिन पहले कई लोगों ने उस आदमी को बीच पर देखा था कई लोगों ने बोला था कि वो आदमी वहाँ पे रेस्ट कर रहा था फिर कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि जिस पोजीशन में अभी वो आदमी दिख रहा है मतलब उसकी डेड बॉडी उसी पोजीशन में कल रात को भी उन लोगों ने देखा था फिर उसको ऑटोपसी के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जो ऑटोपसी करने वाला एक्सपर्ट होता है वो उसकी पूरी छानबीन करने के बाद ये कंक्लूड करता है कि ये आदमी जो है वो ब्रिटिश डिसेंट का है और करीब 40 से 45 साल की उम्र होगी उसकी उसने एक वाइट शर्ट एक रेड वाइट ब्लू कलर की टाई फिर ब्राउन ट्राउजर्स और जूते फिर मोजे ये सब पहने हुए होते हैं लेकिन एक बात गौर करने लायक है कि उसके जितने सारे कपड़े थे कोट पैंट सब उनमें से जो लेबल्स होते थे ब्रांड के वो हटाए हुए थे और उसके पास कोई भी वॉलेट नहीं होता है उसके पास से कोई भी मतलब आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है और फिर उन लोगों को लगता है कि इसने शायद खुदकुशी की है लेकिन पॉइजन दे के मारने की भी शंका की जाती है ऐसा कोई पॉइजन जो बहुत आसानी से डिटेक्ट नहीं होता ऐसा भी हो सकता है मतलब और इस तरह से अभी से ये मिस्त्री बहुत ही ज़्यादा गहरी और बनती जा रही है क्योंकि पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं चलता है कि ये कैसे मरा क्यों मरा या फिर नेचुरल है या फिर किसी ने पॉइजन दिया है और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी नहीं हो पा रही थी अब इसके कुछ दिन बाद दोस्तों यानी कि चौदह जनवरी नाइनटीन को जो एडिलेड रेलवे स्टेशन है वहाँ का जो क्लोक रूम होता है दोस्तों वहाँ पे एक स्टाफ ने एक सूटकेस देखा जो किसी का भी नहीं था और इसका भी लेबल हटाया हुआ था और इस सूटकेस को किसी ने 30 नवंबर यानी कि जो डेड बॉडी मिलने के एक दिन पहले ही क्लोक रूम में जमा करवाया था तो लोग ये माने लगे कि ये जो सूटकेस है उसी द अननोन मैन ने जिसकी डेड बॉडी बीच पे मिली थी उसी ने ही जमा करवाया था फिर सूटकेस खोल के देखा गया फिर उसमें से कपड़े मोजे अंडरवेयर वगैरह मिले एक स्क्रू ड्राइवर भी मिला और सबसे चौकानी वाली बात थी कि एक सुई धागा मिला और उस धागे का कलर ऑरेंज कलर का था वही कलर जिससे जो लास्ट थी उसके कपड़े के पॉकेट सिए गए थे जो धागे का जो ब्रांड वगैरह था वो भी एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन नहीं था वो कोई बाहर का ब्रांड था और इस मामले में भी जो सूटकेस के अंदर जितने सारे कपड़े मिले सबके लेबल हटाए हुए थे लेकिन कई सारे कपड़ों में दोस्तों एक नाम लिखा हुआ था जो था टी कीन और कई सारे कपड़ों में लॉन्ड्री के जो मार्क होते हैं वो भी थे लेकिन पुलिस ने ये टी किन जो नाम है और फिर लॉन्ड्री मास्क की बहुत सारी जगह छानबीन की ऑस्ट्रेलिया ही नहीं जो इंग्लिश स्पीकिंग जितने अदर कंट्रीज थे वहां पे भी छानबीन की लेकिन मतलब ऐसा कोई भी नहीं मिला कुछ भी सुराग ऐसा मिला ही नहीं अब पुलिस ने ऐसा दिमाग लगाया कि वो आदमी शायद 30 नवंबर को एडिलेड स्टेशन आया होगा फिर उसने एक ट्रेन का टिकट खरीदा होगा वही टिकट जो उसके पास से मिला था लेकिन किसी वजह से उसने ट्रेन बोर्ड नहीं किया और फिर वो बस का टिकट लेके जो सोमटन बीच है वहाँ पे चला गया होगा जब इसकी ऑटोपसी हुई थी इसकी बॉडी की एक बात और चौंकाने वाली थी कि इसके जो जूते थे वो एकदम क्लीन थे तो जो कोरोनर होता है जो ऑटोपसी करता है उसने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है अगर ये आदमी 30 नवंबर को कई लोगों ने इसको देखा था बीच में इसका मतलब एक दिन वो घूमा है उस बीच के पास या उस शहर में तो उसके जूते इतने अच्छी तरह से चमक कैसे रहते तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसको कहीं और मारा गया है फिर इसको ला बीच में डाला गया है अब दोस्तों ये सब चीज़ें तो पुलिस को मालूम चल रही थी लेकिन कोई भी लीड जनरेट नहीं हो रहा था जिससे ये पता चले कि इसकी आइडेंटिटी क्या है और ये तो वो लोग कंफर्म कर ही नहीं पा रहे थे कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है नेचुरल कॉजेज से या फिर किसी पॉइजन से तो पुलिस ने सोचा कि इसके जो कपड़े हैं उसमें से ही कोई सुराग मिलेगा तो फिर से उनकी छानबीन की गई और इस बार दोस्तों एक सुराग मिला भी उसने जो पैंट पहनी हुई थी उसके पॉकेट के ठीक ऊपर एक छोटा सा पॉकेट होता है जैसे हमारे जीन्स में होता है उस पॉकेट में एक छोटा सा एकदम छोटा सा एक, एक कागज का टुकड़ा था जिसमें लिखा हुआ था दो शब्द वो दो शब्द थे तमाम शुद्ध अब इसका जो अरेबिक में मतलब होता है वो होता है डी एंड या फिर फिनिश ऐसा कुछ जैसे बुक्स के अंत में लिखा होता है डी एंड तो वही होता है इसका मीनिंग फिर पुलिस ने यह भी पता कर लिया कि ये किस किताब के मतलब लास्ट में लिखा हुआ था तो उस किताब का नाम था रुबायत और इसके जो लेखक थे उनका नाम था उमर खयम तो इस किताब के जो लास्ट पढ़ने में ये शब्द लिखा हुआ था अब पुलिस ने दोस्तों सोचिए ऐसा काम किया इतनी मेहनत की वो भी 1948-49 में आज से सत्तर साल पहले इतनी मेहनत की कि जो किताब थी जो एकदम ओरिजिनल थी जिससे ये मतलब जो वर्ड है फारा गया था वो किताब को पुलिस ने ढूंढ लिया अब दोस्तों ये केस इतना पुराना है कि इसके जो डिटेल्स है कुछ मिसिंग है जैसे ये बुक मतलब पुलिस को कहाँ पे मिला था कई सारे बातें हैं जैसे एक है कि एक आदमी ने ही पुलिस को कांटेक्ट किया था इस बुक के बारे में फिर एक है कि जो सबसे फेमस है कि ये कार थी कोई कार पार्किंग में थी जिसका कोई मालिक वगैरह नहीं था मतलब बहुत दिन से वो वहाँ पे पार्क थी और वो ऐसे अनलॉक हुई थी कार तो उसके बैक सीट से ये किताब मिली थी पुलिस को और जब पुलिस ने इसका आखिरी पन्ना देखा तो जो ड एंड जो तमाम शुद्ध वर्ड था वो इस बुक से फारा हुआ था अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था लेकिन अभी से मिस्ट्री इस बुक से थोड़ी और गहरी होगी इस बुक में जब पुलिस ने बहुत ही करीब से इसकी जांच की तो इसमें मतलब थोड़े इंडेंटेशन मिले इंडेंटेशन मतलब जैसे अगर हम किसी पेपर में लिखते हैं तो उसकी जो छाप है वो दूसरे पेपर में छप जाती है तो वो पुलिस को मिली फिर उसका जब ट्रेस किया गया तो पुलिस को एक कोड मिल गया वहाँ से वो कोड अभी अब स्क्रीन में देख रहे होंगे दोस्तों पांच लाइन थे अल्फ़ाबेट्स के और अजीब और गरीब कोई मीनिंग नहीं है ये देखिए और एक लाइन में से कट किया हुआ भी है अब इस कोड को डी करने के लिए कई सारे कोड एक्सपर्ट मैथमेटिशियंस को बुलाया गया लेकिन कोई भी इस कोड को डी नहीं कर पाया कि इसका मेन मीनिंग क्या है 1978 तक जो क्रिप्टोग्राफर्स हैं जो कोड ब्रेक करते हैं वो लोग इस कोड को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन फिर भी आज तक ये कोड ब्रेक नहीं हो पाया है तो क्रिप्टोग्राफर्स ने एक्चुअली ये कंक्लूजन दिया कि ये शायद किसी ने ऐसे ही लिख दिया है इसका कोई मीनिंग ही नहीं है इसीलिए इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हो भी सकता है ये बात या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत कोई एक सीक्रेट मैसेज है जो बहुत ही हार्ड कोड में लिखा हुआ है तो इन लोगों को ये नहीं मालूम चल रहा है अब दोस्तों देखिए इवेंट्स कैसे कैसे हो रहे हैं पहले तो डेड बॉडी मिली उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं फिर उसके जेब से एक वर्ड मिला जिसकी छानबीन करते करते पुलिस उस किताब तक पहुंची फिर किताब में एक नया कोड तो मिस्ट्री और कितनी ज़्यादा मतलब गहरी होती जा रही है अब देखिए इस कोड को कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा है अब दोस्तों इस किताब में एक और चीज़ मिला पुलिस को वो था एक फ़ोन नंबर तो पुलिस ने जब उस फ़ोन नंबर की छानबीन की तो पता चला ये एक लड़की की है एक औरत की है जिसका नाम है जेसिका थॉमसन और वो जहाँ से बॉडी मिली थी जो बीच था उसके कुछ मीटर्स के डिस्टेंस में ही वो रहती थी पुलिस ने उसका इंटरव्यू लिया और जो डेड बॉडी थी उसकी फ़ोटो वगैरह दिखाई लेकिन जेसिका ने बोला कि वो इस आदमी को नहीं जानती है कौन है और फिर इसका जो फ़ोन नंबर है कि उस किताब में क्या कर रहा था वो भी इसको नहीं मालूम लेकिन जेसिका ने एक बात बोली कि कुछ दिनों पहले जब वो घर में नहीं थी तो एक आदमी उसको ढूंढते हुए उसके घर पे आया था उसके नेबर से बात बात की थी लेकिन वो आदमी कौन है आ, मतलब उसको नहीं मालूम लेकिन पुलिस को जेसिका टॉम्सन की बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं था लेकिन पुलिस के पास भी चारा नहीं था उसकी बात मानने के बजाय लेकिन पुलिस के पास भी कोई चारा नहीं था उनको जेसिका की बात माननी ही पड़ी थी आ, ये जो पूरा केस है इसके ऊपर जेरी फेल्टस करके एक राइटर ने किताब लिखी है द अन मैन उन्होंने भी जेसिका की बहुत बाद में मतलब इंटरव्यू ली थी इस आदमी के बारे में फिर उन्होंने 2002 में एक बात बोली थी कि जब जेसिका की इंटरव्यू ली थी उन्होंने तो वो बहुत ही नर्वस थी और जो ये आदमी कौन है वगैरह ये सब क्वेश्चन एकदम डॉज करने की कोशिश कर रही थी मतलब वो इस इंटरव्यू से चाहती थी, ऐसा वो कोशिश कर रही थी अब जेरी को उसको लगा कि शायद ये जेसिका उस आदमी को जानती होगी लेकिन किस वजह से पता नहीं कि ये उस आदमी का जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक के सामने नहीं लाना चाहती है अब दोस्तों जब इस आदमी की आइडेंटिटी मालूम नहीं हो रही होती है फिर इसकी जो लाश है उसको भी तो फ्यूनरल करना पड़ेगा उसका तो इससे पहले कि वो फ्यूनरल करे पुलिस ने उस आदमी के जो पूरा चेहरा है उसका एक प्लास्टर कास्ट बना लिया था एक मूर्ति समझ लीजिए उसके एकदम सर की मतलब इस प्लास्टर कास्ट को लेके भी एक बात है कि बहुत बाद में जब जेसिका थॉमसन जो है उसके सामने जब इस प्लास्टर कास्ट को रखा गया तो वो एकदम घबरा गई थी दोस्तों उसने फिर भी पुलिस को बोला कि वो इसको नहीं जानती है लेकिन उसका रिएक्शन ऐसा एकदम शॉकिंग रिएक्शन था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो वो जब प्लास्टर कास्ट को उसने देखा तो उसका ऐसा हो गया था पुलिस ने ख़ुद बोला है कि वो जैसे बेहोश हो जाएगी ऐसा उसका रिएक्शन था फिर भी लेकिन उसने बोला कि वो इस आदमी को नहीं जानती है जिस आदमी ने ये प्लास्टर कास्ट बनाया था उसने भी जैसी का जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो देखा था जब पहली बार उसने उस प्लास्टर कास्ट को देखा था उसने बोला था कि वो एक बार उस जब उसने देखा उसके बाद दोबारा उस चेहरे की तरफ मतलब देखना भी नहीं चाहती थी उस प्लास्टर कास्ट की तरफ अब थॉमसन ने पुलिस के सामने एक और फिर बम फेंका उसने बोला कि वर्ल्ड वार टू के टाइम मतलब वर्ल्ड वार टू जो फोर्टीज़ में हुआ था और ये केस हुआ था फोर्टी एट में फ़ोर्टी नाइन में तो कुछ ही साल पहले की बात है उस समय वो एक नर्स रही थी और तब उसके पास जो ये किताब थी रुबायत उसकी एक कॉपी थी उसके पास लेकिन 1945 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उसने ये किताब एक दूसरे आदमी को दे दी थी जो कि एक ऑस्ट्रेलियन आर्मी में ल्यूटेन्ट था और उसका नाम था एल्फ बॉक्सोल उसने ये भी बोला कि बॉक्सोल के साथ उसका थोड़ा रोमांटिक रिलेशनशिप था और जो युद्ध के बाद बॉक्सोल ने उसको कांटेक्ट किया था लेकिन तब तक इसकी शादी हो गई थी और इसने बोला कि बॉक्सोल को मतलब एक भे खत भेजा कि मेरी शादी हो गई है तो ये रिलेशनशिप ख़त्म जैसा है और 1945 के बाद बॉक्सल और जेसिका टॉम्सन के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं था अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों पुलिस को लगा कि जो ये बॉक्सॉल है यही शायद ये जो अननोन मैन है जो सोमाटन मैन है वो होगा जो इतने सालों बाद शायद जेसिका से मिलने गया होगा अगर आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है दोस्तों तो शायद आपको भी यही लगेगा कि ये तो एकदम सिंपल चीज़ है कि जो बॉक्सॉल है वही होगा लेकिन आगे सुनिए अभी क्या होता है जुलाई नाइनटीन में पुलिस को बॉक्सल मिल जाता है दोस्तों जिंदा वो सिडनी में कहीं पे काम कर रहा था और वो जो किताब है वो किताब अभी भी उसके पास थी तो इसकी संभावना भी ख़त्म हो गई है कि जो बॉक्सल है वही वो, वो आदमी था बॉक्सल तो जिंदा है तो ये मरा हुआ आदमी दोस्तों है कौन अभी भी नहीं मालूम चल रहा है तो दोस्तों इतने सालों बाद तक या मतलब आज के डेट तक ये नहीं मालूम चल पाया कि वो आदमी था कौन उसकी मृत्यु कैसे हुई या फिर उसका इतिहास क्या है बहुत लोगों ने ये थ्योरी भी दिया कि वर्ल्ड वार टू जस्ट खत्म हुआ था कोल्ड वार वगैरह वा का टाइम था तो शायद वो कोई स्पाए रहा होगा लेकिन इसकी कोई पुष्टि किसी भी चीज़ की इस केस में कोई पुष्टि हुई नहीं द अन मैन को नाइनटीन में एडिलेट के ही एक सीमेट्री में दफना दिया गया दोस्तों इस केस में पुलिस ने बहुत लोगों से बातचीत की आप सोचिए कि करीब 250 लोगों ने पुलिस के सामने कुछ स्टेटमेंट दिया कि वो इस आदमी को जानते हैं ये इस होटल में रुका हुआ था ये यहाँ पे था कोई होटल रिसेप्शनिस्ट ने इसको कहीं पे देखा हुआ था लेकिन इतने सारे 250 लोगों के कुछ बोलने के बाद भी कोई भी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन इस आदमी का नहीं हुआ आज तक नहीं हुआ मतलब लीड मिलती थी पुलिस को लेकिन वो कहीं पे कोई लीड नहीं करती थी आज तक उस जो कोट था वो जो बुक के पीछे मिला था उसको भी ब्रेक करने की कई बार कोशिश की गई थी लेकिन आज तक वो कोट भी ब्रेक नहीं हुआ है अब अंत में दोस्तों समय आ गया था ये पूरे ट्वेंटी सेंचुरी का 2021 का टाइम हो गया था और इस केस को अभी सॉल्व करने के लिए डीएनए एविडेंस की जरूरत थी तो क्या हुआ दोस्तों कि 19 मई 2021 को कई अथोरिटीज़ ने ऐसा डिसीजन लिया और जो जेसिका थॉमसन थी जो लोग भी इस केस से जुड़े थे उनके मतलब परमिशन लेके जेसिका थॉमसन फिर उनके हस्बैंड वगैरह भी जो लोग इस केस से रिलेटेड थे वो 2007-2009 में ही गुजर गए थे उनके परिवार से परमिशन वगैरह लेके 2021 में जो ये जो अननोन मैन की ग्रेव है उसको खोदा गया फिर उसके जो अवशेष है उसको निकाला गया डीएनए एविडेंस लेने के लिए लेकिन दोस्तों अभी भी कोई क्लियर नहीं हुआ है शायद इसके ऊपर रिसर्च वगैरह छानबीन वगैरह चल रही है तो आगे हमको शायद मालूम पड़ेगा कि ये आदमी अंततः कौन ऐसा केस जो सत्तर साल से चल रहा है दोस्तों तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर इस केस को कोई सॉल्व कर सकता है तो सिर्फ एक ही आदमी है वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा <laughs> तो दोस्तों यही कहानी थी आज की होप करता हूं ये कहानी आपको अच्छी लगी हो जल्द मिलता हूं एक और नई कहानी के साथ थैंक यू सो मच